दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पपीता खाने से होने वाले नुकसानों के बारे में, जिसे सुनकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे। हाँ दोस्तों, देखिए पपीता एक ऐसा फल है जिसे आप चाहे तो सलाद में खाएं या फिर जूस के रूप में इसका सेवन करें। दोनों तरीकों में इसका सेवन करना टेस्टी लगता है ना? जी हाँ बिल्कुल। और ये कभी भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और ना दोस्तों, ये फल जो है खनिज फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये लो कैलोरी फ्रूट स्वास्थ्य को कई तरह के लाभ पहुंचाता है। इतना ही नहीं, रसदार और साथ ही सुनहरा सा दिखने वाला ये फल पोषक तत्वों से काफ़ी भरपूर होता है। फाइबर का बेहतरीन सोर्स होने के लिहाज से ना ये कई तरह के बीमारियों में बहुत फायदेमंद भी होता है। लेकिन पपीते का अधिक मात्रा में सेवन ना आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। वैसे देखा जाए तो ना पपीता हर किसी को पसंद नहीं होता है। कुछ को इसका स्वाद रास नहीं आता है, तो कुछ को इसे काटने और फिर इसे खाने में वो आलस महसूस करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पपीते के लैटेक्स और साथ ही साथ हाई फाइबर सामग्री को देखते हुए ना दोस्तों, इसके ज़्यादा सेवन आपके लिए रिस्क पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं ज़रूरत से ज़्यादा जब आप पपीते को खाते हैं तो ये आपके सेहत को फ़ायदा पहुंचाने की जगह पे बड़े नुकसान भी आपको दे सकता है। तो आइए जान लेते हैं क्या है पपीता खाने के बड़े नुकसान। तो दोस्तों, पपीता बहुत ही पौष्टिक फल है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। डॉक्टर्स भी ना प्रेगनेंसी में महिलाओं को पपीता खाने से बचने की सलाह देते हैं। दरअसल पपीते के बीज, पपीते का फ्रूट, उसका जड़ और साथ ही उसकी पत्तियां भ्रूण को नुकसान पहुंचाती हैं। एक कच्चे या फिर पके पपीते में ना लैटेक्स की भारी मौजूदगी गर्भाशय के संकुचन का अहम कारण बन सकता है। इसके अलावा पपीते में मौजूद पेपाइन ना शरीर में झिल्ली को डैमेज कर देता है, जो कि भ्रूण के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसीलिए ना गर्भवती महिलाओं को चाहे वो कच्चा पपीता हो या फिर पका हुआ पपीता हो, नहीं खाना चाहिए। और ना दोस्तों, पपीते में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि कब्ज जैसी प्रॉब्लम से आपको राहत तो दिला देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके पेट को ख़राब करने का भी कारण बन सकता है। दरअसल ना पपीते के छिलके में मौजूद लैटेक्स जो है पेट को अपसेट करके पेट दर्द का कारण बन सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको पपीते को ना बिना छिलके के ही खाना चाहिए। इसके अलावा ना दोस्तों, पपीते में भी लैटेक्स होता है, जो कि पेट में जलन, दर्द और साथ ही साथ दोस्तों आपके पेट की खराबी का कारण बन सकता है। और ना दोस्तों, इसमें मौजूद फाइबर जो है आपको डायरिया की प्रॉब्लम भी दे सकता है, जिससे ये व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आपको पहले से ही पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो तो आप पपीते का सेवन मत कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप पपीता खाते हैं तो आप इसे सीमित मात्रा में ही खाएँ। और ना दोस्तों, पपीता जो है ब्लड शुगर लेवल को भी कम कर सकता है, ऐसे में जो डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मधुमेह रोगियों को डॉक्टर से पूछने के बाद ही पपीते का सेवन उचित मात्रा में करना चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और जो लोग किसी भी तरह की हार्ट संबंधी दिक्कत से जूझ रहे हैं ना दोस्तों, ऐसे लोगों को भी पपीते का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, पपीते का ज़्यादा सेवन करने से हार्ट बीट कम होने का ख़तरा बना रहता है। इसीलिए इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। और पपीते में मौजूद पेपाइन से ना एलर्जी होने की संभावना बनी रहती है। पपीते के अधिक सेवन से ना आपको शरीर में सूजन, चक्कर आना, सिर दर्द और चकत्ते और खुजली जैसी समस्याएं रिएक्शन के तौर पर दिख सकती हैं। इसीलिए अगर आपको पपीता खाने से किसी भी तरह की एलर्जी है तो आप पपीते को मत खाएं, इसे खाना अवॉइड करें। और ना दोस्तों, गर्भावस्था में अधपका पपीता का सेवन करने से उसमें मौजूद पेपाइन ना भ्रूण के लिए जहर का काम कर सकता है या फिर जन्म दोष का कारण बन सकता है। इसीलिए आपको भूलकर भी प्रेगनेंसी में जो है ना दोस्तों, पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। और माँ बनने के शुरुआती दिनों में ना आपको पपीते के सेवन से दूर रहना चाहिए। मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स होती हैं, ये टिप उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पपीते में पपाइन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जो कि आपके शिशु के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इससे उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और उसे पाचन से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो आप पपीते से दूर रहें। इतना ही नहीं दोस्तों, एक साल से कम उम्र के बच्चों को पपीता नहीं खिलाना चाहिए। दरअसल छोटे बच्चे ना पानी बहुत कम पीते हैं, तो ऐसे में पर्याप्त मात्रा के पानी के सेवन के बिना उच्च फाइबर वाला ये फल मल को और भी ज़्यादा कठोर बना देता है।
जिससे कि बच्चों को कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इसीलिए कच्चा या फिर पका किसी भी रूप में बच्चों को जो है ये फल आप बहुत सीमित मात्रा में दें, और हो सके तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो आप उन्हें पपीता मत खिलाएं। और ना दोस्तों, पपीते के लैटेक्स में पेपाइन नाम का कंपाउंड होता है। बड़ी मात्रा में पेपाइन को मुंह में लेने से ना गले में भोजन नली को नुकसान हो सकता है। पपीते में मौजूद एंजाइम जो है पेपाइन को एलर्जन कहते हैं। इसके ज़्यादा सेवन से ना अस्थमा और साथ ही घबराहट जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यही नहीं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने जैसी प्रॉब्लम्स भी ये पैदा कर सकता है। इसीलिए अगर आप अस्थमा या फिर सांस की किसी भी बीमारी के मरीज हैं तो डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी भी पपीते का सेवन मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इससे ना सांस लेने में समस्या पैदा हो सकती है जो कि आपके लिए घातक हो सकता है। और ना दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका खून जो है नॉर्मल से ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो ऐसे लोगों को ना डॉक्टर्स जो है खून पतला करने के लिए दवाएँ देते हैं। जो लोग खून को पतला करने वाली दवाओं का सेवन करते हैं उनको पपीते के सेवन से बचना चाहिए, या फिर उनको डॉक्टर की सलाह पर ही ना पपीता खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पपीते के सेवन से भी ना खून पतला हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खून पतला होना भी सेहत के लिए सही नहीं होता है। इसीलिए खून को पतला करने वाली दवाएं ले रहे लोगों को पपीते से दूर रहना चाहिए। और ना दोस्तों, जब आप अधिक मात्रा में पपीते का सेवन करते हैं ना, तो इसकी वजह से आपके स्किन का कलर चेंज हो जाता है और वो पीले रंग का दिखाई देता है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन ना त्वचा के रंग को प्रभावित करता है, जिस वजह से ही आपके जो स्किन का कलर है वो येलो दिखने लगता है। इतना ही नहीं, पपीते के लैटेक्स को ना त्वचा पर लगाने से कुछ लोगों को गंभीर जलन और साथ ही एलर्जी भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप इसे चेहरे पर लगाना चाहते हैं तो पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और ना अधिक मात्रा में पपीता खाने से थायराइड की समस्या भी हो सकती है, तो थायराइड के मरीज को पहले से ही जो है पपीते को नहीं खाना चाहिए। और ना दोस्तों, पीलिया के मरीजों को भी पपीते का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें मौजूद पेपाइन और साथ ही बीटा कैरोटीन ना पीलिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा सर्जरी के बाद कुछ ही हफ्ते में ना दोस्तों, यदि पपीता खाना शुरू कर दिया तो इससे घाव भी जल्दी नहीं भरते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि पपीते को ना दोस्तों सीमित मात्रा में और डॉक्टर को पूछने के बाद इसका सेवन करें। और ना दोस्तों, पपीता जो है रक्त में मौजूद शुगर के स्तर को कम कर सकता है। ऐसे में सर्जरी के दौरान और साथ ही बाद में ना पपीते का सेवन रक्त में मौजूद शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से सर्जरी से 2 सप्ताह पहले पपीते का सेवन रोक देना चाहिए, और सर्जरी के बाद भी आपको 1 हफ्ते तक पपीता नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे ज़्यादा मात्रा में पपीता खाने से होने वाले नुकसान। साथ में आपने ये भी जाना है कि आपको कौन से हेल्थ कंडीशंस में पपीता खाना अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए और अपनी सेहत के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करें, और हमेशा कोई भी खाने की चीज़ को सीमित मात्रा में ही खाएं, तभी आपको फ़ायदा होगा और आप हमेशा फिट एंड हेल्दी रहेंगे।